चैनल कुक विद इकरा में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन देगी बिरयानी। चिकन बिरयानी सबको ही बहुत पसंद होती है और अगर वो घर में देग जैसी बन जाए तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज देगी बिरयानी की एक बहुत ही मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग रेसिपी, जिसमें हम प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्याज के बगैर बनती है और बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। जैसे हमारे घर देग आती है उसी जैसा इसका टेस्ट होता है बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें आप सब कि इसमें क्या क्या जाने वाला है। आधा किलो हमने चिकन ले ली है। आधा किलो चिकन के अंदर ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। दो अदद बड़े टमाटर, एक कप दही, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें पिसी हुई, हल्दी, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च, टर्मरिक पाउडर, नमक, हरी इलायची, दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, ये 8-10 के करीब हमने लौंग और काली मिर्चें ले ली हैं। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। जितने भी मसाले हैं अगर आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर देंगे उसमें कुछ भी नहीं जाता और बल्कि टेस्ट ही अच्छा हो जाता है अगर आप थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। और ये हैं दो बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें जाएगा हरी इलायची और बादियान के फूल और जावित्री जायफल। इन चारों चीज़ों को आप लोग किसी जो ब्लेंड वो होती है हमारी ग्राइंडर होता है उसके अंदर पीस लें और पाउडर सा बना लें। ये बिल्कुल एंड में डलेगा जब हमारी बिरयानी पकने की तरफ आ जाएगी। इससे बिल्कुल जो है हमारी बिरयानी में देख का टेस्ट आएगा। देख की बिरयानी की जो खुशबू होती है ना वो इन चार चीज़ों से आती है। इसको आप लोग ज़रूर अपनी बिरयानी में ऐड कीजिएगा तो बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट आएगा। अब हम एक पॉट ले लेंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले चिकन डालेंगे। ये चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट नहीं पकाएंगे, हम लोग इसे मैरिनेशन की तरह थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले चिकन ले लेंगे हम और चिकन के अंदर सबसे पहले डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज जो हमने पेस्ट बना के रखी हैं। इस तरह से आप लोग इसका पेस्ट सा बना लें। हम इसको डालेंगे ग्रीन चिलीज़ आप लोग इसमें लाजमी डालिएगा। भले अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो आप लोग इसमें रेड चिलीज़ जो हैं, ये चिली फ्लेक्स जो हैं, कुटी हुई मिर्च, इसको भले आप लोग कम कर लें लेकिन हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। भले थोड़ी कम क्वान्टिटी कर लें लेकिन हरी मिर्च लाजमी डलेगी। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सारे होल गरम मसाले। फिर इसमें डालेंगे दो बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम और लौंग और काली मिर्च। तकरीबन हमने 10-10 किलो ले लिए। इसमें कोई नाप तोल नहीं है, जितनी आपका दिल चाहे 8 से 10 ले सकते हैं। ये डाल देंगे इसमें और ये डालेगी इसमें दालचीनी। सिनेमन स्टिक्स ले लेंगे इसमें और हरी इलायची जाएगी 6 से 8, ये भी डाल दें। अब हम इन सब चीज़ों को अंदर दही डालेंगे। 1 कप हमने दही ले लिया है, 1 कप दही इसके अंदर पूरा जाएगा। अब हम इसे हाथ से मैश करेंगे। अगर किसी को हाथों में मिर्चें लगती हैं ज़्यादा तो वो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसको हम करेंगे हाथ से मैश चमचे से। उस तरह से चिकन के अंदर सारे फ्लेवर्स नहीं जाएंगे। दैट्स इट। इसको हल्के से इस तरह से मिलाकर अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल।
हाफ कप के करीब इसमें तेल डलेगा। अब हम लोग चलेंगे इसको चूल्हे के ऊपर रखने, इसको पकाने के लिए रख देंगे और ये इसी तरह से पकता रहेगा जब तक ये थोड़ी सी चिकन टेंडर नहीं हो जाती, हाफ टेंडर, तब तक हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। हाफ टेंडर होने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे और पानी की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वरना अगर, क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है और टमाटर भी पानी छोड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगे कि चिकन बहुत ड्राई है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा वरना चिकन पूरी तरह से टूट जाएगी। चलिए, तो हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है पकने के लिए। अब ये मीडियम आंच पे पकता रहेगा। इसका तेल जब प्रॉपर पक के ऊपर आ जाए, मसाला अलग हो जाए तेल से, उस वक्त हम उसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटरों को बहुत ज़्यादा हमें गलाने की ज़रूरत नहीं होती, टमाटर थोड़े से खड़े ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पकने देंगे ढककर। तो मसाला हमारा बनने के लिए चूल्हे पर है। अब हम लोग चावल की तरफ आ जाएंगे। चावल इसमें लेंगे हम लोग आधा किलो से थोड़े ज़्यादा लिए हैं मैंने, ये हाँ आधा किलो से थोड़े ज़्यादा चावल है। और नमक जाएगा इसमें, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि चावलों को जब हम पसाते हैं तो नमक सारा निकल जाता है। तो नमक इसमें हमने 2 बड़े चमचे ले लिए हैं। और इसमें जाएगा ज़ीरा और सिर्फ ये 2 दालचीनी की हमने स्टिक्स ले ली हैं, क्योंकि इसमें बाकी सारे होल स्पाइसेस तो हम डाल ही चुके हैं गरम मसाले के, तो चावलों में वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। चावलों में अगर आप खाली ज़ीरा भी डाल देंगे तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चावलों में। अब हम लोग चलते हैं चावलों को बॉईल करने की तरफ। जी, तो हमने आधे पतीले के करीब पानी ले लिया है चावलों को उबालने के लिए। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये 2 बड़े चमचे नमक और ज़ीरा और दालचीनी जो हमने 2 टुकड़े लिए हैं, बस इसको तेज़ आंच पर थोड़ी पकने के लिए उबाल लेंगे। जब अच्छी तरह से ज़ीरा अपना एरोमा और कलर छोड़ देगा इस पानी के अंदर, फिर हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जब ये बॉईल हो रहा होगा। चले हम लोग देख लेते हैं कि अब हमारी बिरयानी का जो मसाला है वो किस हद तक पहुँचा है। ये काफ़ी अच्छा हो गया है और तेल भी हल्का हल्का इसने अपना छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। जब इसके अंदर इस तरह से दही थोड़ा आप लोगों को नज़र आए तभी हम इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड हो गए हमारे। अब हम लोग इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला पहले से नहीं डालेंगे वरना चिकन काली पड़ जाएगी। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। चलें, तो ये देख लें हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, ऑयल पूरी तरह से छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें डालेंगे वो जो हमने जावित्री, जायफल और बादियान के फूल और हरी इलायची को पीस के रखा था अपने पास, वो हम इसमें डाल देंगे। और आप लोग इसकी खुशबू फील करेंगे जब आप लोग बनाएंगे अपने घर में इसको। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी फूड कलर, ऑरेंज कलर का जो जर्दे का रंग बिरयानी में डलता है वो हम इसमें डालेंगे, जो देर की बिरयानी की चिकन का कलर होता है ये बिल्कुल वही कलर आएगा इसमें। जी, तो मसाला जब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, इस स्टेज पर आके हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जब हम लोग तह लगाएं तो बिरयानी का मसाला बिल्कुल सूख ना जाए, क्योंकि बिरयानी का मसाला थोड़ा सूख भी जाता है पकने के बाद। और जब हम इसे तह लगाएंगे नीचे तो हमें फील हो कि मसाला अभी इसके अंदर है। जब उसकी ऐसी आवाज़ आएगी जैसे पकने की आवाज़ आती है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि मसाला थोड़ा सा गीला ही होगा तो हमारे चावल आराम से ऊपर तक भाप आएगी। तो इसमें बिल्कुल हमने 2 चमचे के करीब पानी डाला है, बट 2 बड़े चमचे के करीब पानी डाला है, उसी में देखेंगे इस तरह का मसाला आप लोगों को नज़र आएगा। ऐसा ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर करके ढक देंगे जब तक हमारे चावल हो रहे हैं। जी, तो जब हमारा पानी इस तरह से उबलना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चावल। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म उबल रहा है तो छींटे भी आ सकती हैं। चावल डालने के बाद इसे 1 मिनट तक, 1 मिनट तक तो नहीं, बस
थोड़ा सा ऐसा कि चावल बिखर जाएं पतीले में जाकर, चलाएंगे और फिर इसे उबलने देंगे। और ये हम सेला नहीं बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं, तो चावलों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आधे घंटे पहले चावलों को हम भिगो देंगे, उसके बाद उबाल इस तरह से उबालने के लिए रखेंगे, तो चावल बहुत खिले खिले और बिखरे बनेंगे। जी तो हमारे चावल उबल गए हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि चावल की किस स्टेज पर हमें इसको पसाना है। ये एक चावल हाथ में उठा के देख लें और इसको हल्के से इस तरह से प्रेस करें। जब बीच में एक छोटी सी कनी हो, दो कनी अगर छोटी सी बीच में हो, तो हम इसको उतार लेंगे और फिर हम इसे पसाएंगे। जब चावलों को पसा लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दम लगाने का प्रोसेस दिखाऊंगी। जी तो अब हम लोग पसाव की तरफ आते हैं, अब हम लोग दम पे लगाएंगे अपनी बिरयानी। तह लगाने से पहले मैं आप लोगों की चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अभी आप लोगों को एक खाली फ्राई पैन दिख रहा होगा, मगर वो खाली नहीं रहेगा। हम लोग इसमें डालेंगे 2 बड़े चमचे घी के। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा घी, तो फिर हम लोग तब मैं आपको बताऊँगी हमें इसके साथ क्या करना है। अभी आप इसको घी को गर्म होने दें। अब हम लोग आएंगे तह की तरफ, बिरयानी को दम पे लगाएंगे। सबसे पहले जो मैं चावल मैंने उबाल के रखे हैं, अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई थी, इसमें जाएगा ये पुदीना और हरी मिर्च बीच में तह के टाइम पर, मैं उस वक्त दिखाना भूल गई थी आप लोगों को। अब हम लोग इसमें डालेंगे चावल। चावल की मैं बहुत ही पतली लेयर सबसे पहले लगाऊंगी। अगर हम चाहें तो गोश्त भी लगा सकते हैं, लेकिन गोश्त जो है जल जाता है नीचे से अगर हम दम पे लगा रहे हैं, और अगर जल जाए वो जलने से बेटर है कि आप एक बिल्कुल पतली सी लेयर चावलों के नीचे लगा दें, तो आपका मसाला जो है बिरयानी का वो नहीं जलेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये अपना मसाला, अच्छा ये मसाले की मैं आप लोगों को शक्ल दिखा दूँ, ये देख लीजिए, इस तरह का मसाला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से होगा। और टमाटर भी देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुए हैं, नॉर्मल हैं टमाटर। अब हम लोग इसे बिरयानी के अंदर चावलों के अंदर डाल देंगे। जी अब हम लोग इसे चावलों को सेट कर देते हैं इस तरह से। इसको सेट करके हम डाल देंगे ये हरी मिर्च और हरा धनिया, ओ पुदीना। अब हम डालेंगे बाकी के हमारे बचे हुए जो चावल हैं वो। बहुत गर्म हो रहे हैं चावल, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, चमचे का भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो इस तरह से हमने अपने चावलों पे लास्ट लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आप लोगों के पास चाट मसाला घर पे इजीली अवेलेबल है तो उसमें ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जी तो हम लोगों ने चावलों की आखिरी तह भी लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, ये मैंने घर पे बनाया है, ये इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे डालने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको एक बहुत अच्छी बिरयानी मसाले की रेसिपी मिलेगी। इसको हम लोग सिर्फ चावलों के ऊपर डालेंगे, मसाले में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसाला ऑलरेडी बहुत था बिरयानी में। इसको चावलों पे डालते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये है हमारा फूड कलर, जिसको हमने मिल्क के दूध के साथ थोड़ा सा घोल लिया है। तो बस अब हम इसे आधे चावलों की तरफ डालेंगे, ताकि आधे चावल हमारे वाइट रहें और आधे चावल हमारे कलर वाले रहें। जी अब अभी जो मैंने तेल गरम किया था, घी जो मैंने गरम किया था दिखाने के लिए आप लोगों को, वो इसलिए किया था कि बिरयानी का मसाला बनाते वक्त मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मसाले में जितना भी होता है वो चावलों में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। इसमें ऊपर से जब हम खाली घी का भगार यूं करके डालेंगे, तो ये हमारे चावलों को एक एक दाने को अच्छे से तेल में कर देगा। अब हम लोग चलेंगे इसको दम पे लगाने के लिए। दम पे कम से कम भी अगर हम लो टू मीडियम पे रखेंगे 20 से 25 मिनट लगेंगे हमारी बिरयानी को दम पे आने के लिए। जी तो हमारी बिरयानी दम हो चुकी है,
साइडों से मुझे धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, शायद कैमरा फोकस ना कर रहा हो धुआं, लेकिन इस तरह से जब धुआं निकलने लगे तो आप लोग समझ जाएं चावल पूरी तरह से दम पे आ चुके हैं। जब इस तरह से धुआं आएगा तो ही बिरयानी की वो खुशबू निकलेगी जो असली बिरयानी की खुशबू होती है। आइए देख लेते हैं कि बिरयानी किस कैसी हुई है हमारी। जी तो बहुत ही लजीज बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। अब हम लोग जो हैं इसको डिश आउट करके आते हैं, तो देखते हैं कि डिश आउट होके कैसी लग रही है हमारी बिरयानी। चलें अब हम लोग इसे डिश में देखेंगे। जी तो बिरयानी बनके तैयार है, मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि बिरयानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। बहुत प्यारी लग रही है, कलरफुल लग रही है बहुत ज़्यादा, और स्पाइसी भी है। और खुशबू जो इस वक्त मेरे किचन में आ रही है वो तो मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ, आप लोगों को महसूस नहीं करा सकती। बहुत अच्छी लग रही है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कैसी बनी है बिरयानी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।